जैसे उनके लिए कन्नड़ से जब एक्सिट में करते हैं ना शिशु आता है, शिशु राइट जाओगे तो रोहतांग आता है, लेफ्ट जाओगे तो लद्दाख आता है। लेह तक आप जा सकते हैं लेकिन रोहतांग इसलिए नहीं क्योंकि अभी जहाँ की जो टैक्सी रूट है उन्होंने अभी अलाउड नहीं किया हुआ, अगर जिन वालों ने मना कर दिया है। रीज़न ये है कि बहुत सारी गाड़ी के जाम लगे हुए हैं, ज़्यादा क्या होगा वहाँ से एनजी वालों ने 1400 कार अलाउड कर दी तो राम के साथ मेरा ओ से प्रदीप नाम तो मैं प्रदीप और मेरी प्रदीप से ही बात हो रही है। तो ये हमें बता रहे हैं कि आप बाइक यहाँ से ले सकते हैं, ई पास नहीं बनेगा आपका रोहतांग। और उन्होंने रीज़न मेजर रीज़न जो बताया है वो उन्होंने बताया है कि आप वहाँ पर टैक्सी यूनियन की तरफ से कि वो पास एंट्री नहीं होते। हाँ यदि आप कहाँ से बताया सर आपने किस तरह से कर सकते हैं? अटल टनल से एग्जिट लेके, अटल टनल से एग्जिट लेके आप लेह की तरफ जा सकते हैं। और सर बाइक पर जाना इस बारिश के मौसम में कितना आसान है? बहुत आसान है सर, सब मैक्सिमम बाइक सारी बुक है। एक बार मैं आपसे अगर आपने मिलियन के साथ में यार लद्दाख जाना है यानी कि डबल लोग हैं, हाँ 500 सीसी रिकमेंड करूँगा मैं आपको। बट अगर आपका बजट बिल्कुल चीप है और थोड़ा कम है तो 350 भी इनफ है। लेकिन 350 के पिकअप में और ज़मीन आसमान का फर्क वो है सर। तो आप डबल हैं और सामान साथ ज़्यादा है तो बात नहीं है, अगर सिंगल भी है सामान है तो डबल भी चलेंगे लेकिन वो बात नहीं आएगी जैसे फीलिंग आता है। फीलिंग वाली बात नहीं आ रही सर, कह रहे हो फीलिंग वाली बात नहीं आएगी अगर आपके साथ सामान और अगर 500 नहीं लेकर आ रहे तो आपके पास फीलिंग वाली बात नहीं आई। 350 चलेगा बता रहे हैं कि चलेगा 350 जाता है इसलिए सर। ट्रिपल राइडिंग यहाँ अलाउ नहीं है सर, वो कहीं नहीं वो रीजन यहाँ बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ऑनलाइन कैमरे हैं, इनकेस अगर ट्रिपलिंग हो जाती है तो ऑनलाइन चालान कट जाता है ऑनलाइन। तो सर पर बाइक रेंट क्या होगा यहाँ से? असल क्या है कि मनाली एक ऐसी जगह है कि यहाँ मनाली का मौसम और मनाली का जो रेट वो एक ही रहेगा, जैसे क्राउड अप हो जाता है वैसे ही प्राइम पर होता है। यहाँ पे 350 क्लासिक का एक टाइम होता है 500-600 भी रहता है और एक टाइम होता है 1100-1100 भी रहता है। तो अगर आपको लॉन्ग राइड जाना जैसे मान लीजिए लद्दाख वगैरह जाना है तो ले जाना है तो मिनिमम चार्जेज रहता है 1000 रुपये। इसमें आपको विद ऑल एसेसरीज मिलेगी जैसे कि कैरियर लगा के देंगे, क्लच वायर, एक्सेट्रा वायर, ट्यूब, एनीथिंग जो भी बाइक की चीज़ें सारी बताएंगे, सिखाएंगे, आधा घंटे की ट्रेनिंग तब आपको पता कर भेजेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो, जीरो परेशानी ना हो। तो सर अगर बाइक यहाँ से हम आपसे रेंट पे लेते हैं जैसे 500 रुपये आप 1000 रुपये बता रहे हो तो उसके लिए सिक्योरिटी क्या है? सर अगर आपका लोकल घूमना है तो 1000 रुपये सिक्योरिटी रहेगी, लेह जाना है वैसे यूनियन के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज़ पर बाइक है। बट हमारे यहाँ ये भी एक फैसिलिटीज है कि आप हाफ चेक और हाफ कैश दे सकते हो, यानी कि अगर आपने दो बाइक ली है अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ से आप यदि लेह लद्दाख जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, आप हाफ चेक के साथ बाइक लेके पूरा दिन आराम से घूम सकते हैं। हाँ लेह के लिए मैक्सिमम 7-10 डेज और मिनिमम 7 डेज आपके पास होने चाहिए जिसमें कि नुद्रा, खटुला, भटुला जी ये सब हो जाएगा आपका। अगर 10 डेज का सर अगर मैं बात करूँ, मैं अभी लास्ट ऑफ जून आया हूँ, अगर यहाँ से लेह लद्दाख खरदुंगला की तरफ बढ़े हम तो बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा यहाँ का? सर मेन तो अभी क्या है कि पहले टनल नहीं था, पहले क्या होता था कि हमारा जो ग्रुप निकलते थे वो 3 जून से यानी फर्स्ट वीक जून से निकलना स्टार्ट होते थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ बेस्ट है। सितंबर के बाद अक्टूबर में ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो आर्मी को सपोर्ट करती है वो नहीं करती है तो कहते हैं कि मत आओ यार, जो 4 महीने बेस्ट है। अदरवाइज़ अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कि टनल चल गया है अब जून मई में भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एक रोहतांग दर्रा ऐसा था जो एक चट्टान बर्फ को ही होकर रखता था, लेकिन अब टनल बन गया तो रोहतांग ही साइड हो गया है, जा सकता है मई में भी जा सकता है। सर वहाँ लोग लगे नहीं, वो असल एक गेट है लॉकडाउन की वजह से थोड़े कम लोग हैं तो एग्जिट, ये एग्जिट है वो एंटर है,
एंडर में जाइए आप, खुला मिलेगा। तो मॉल रोड के लिए कौन सा मैन? ये मॉडल टाउन है, मॉल रोड के सामने हो गया। राइट जाके मॉल रोड, मैं यहाँ ठीक मॉडल टाउन में खड़ा हूँ प्रदीप के पास। उन्होंने बताया मेरे को कि आप रोहतांग टनल में किस प्रकार से जा सकते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आप मई से लेकर मिड सितंबर तक 4 महीने से नहीं जा सकते। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टनल बनने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है।